आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे एकदम पारंपरिक स्टाइल से। गाजर का हलवा अभी मार्केट में बहुत सारी गाजर आ रही है एकदम से ऐसे लाल लाल गाजर। ठंड के मौसम में गाजर का सीजन होता है तो इस समय हम लोग ये गाजर का हलवा बना सकते हैं। ये मेरी दिखाई हुई रेसिपी से अगर आप गाजर का हलवा बनाएंगे ना तो बाकी सब इंस्टेंट तरीके भूल जाएंगे। इतना ये टेस्टी गाजर का हलवा बनता है और एकदम इतना टेस्टी कि आप इसे एक बार खाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे और इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। इतना ये टेस्टी बनता है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, उतना ही स्वाद में एकदम बढ़िया ऐसे ये गाजर का हलवा है। तो शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर लिया है, इसका हमें ये छिलका पूरा निकाल देना है। तो किसी भी पीलर के सहायता से आप इसका ये पूरा छिलका निकाल दीजिए। छिलका निकालने से क्या होता है, ये जो छिलके पे थोड़ी डस्ट वगैरह रहती है ना, छोटे छोटे मिट्टी का वगैरह कण, वो भी निकल जाता है और गाजर का हलवा जो है ना उसका कलर एकदम लाल ऐसे बना रहता है क्योंकि ये छिलके की वजह से उसका कलर थोड़ा कम हो जाता है। तो छिलका पूरा निकाल देना ज़रूरी है। तो सभी गाजर का मैंने छिलका निकाल दिया है, देखिए इस तरह से। अभी हमें इसको कद्दूकस करना है, तो किसी भी कद्दूकस से आप इसे कद्दूकस कर लीजिए। तो गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है, देखिए एकदम बारीक ऐसे कद्दूकस कर लिया है। तो अभी इसे साइड में रखते हैं और गैस पे मैंने एक पैन में दूध लिया है, तो 500 ml यानी आधा लीटर दूध लिया है मैंने 1 किलो गाजर के लिए। और दूध को अच्छे से उबालेंगे, उसमें अच्छा सा उबाल आना चाहिए। अगर मेरी दिखाई हुई रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक्स कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। देखिए दूध को हमारे अच्छी तरह से उबल आ रहा है, उसमें जो मलाई जम रही है ना उसे भी हमें इसमें ही मिक्स करते जाना है। इसे ही हमारा हलवा जो है एकदम दानेदार ऐसे बनेगा, स्वाद भी बढ़िया आएगा मलाई का। तो देखिए अच्छे से दूध उबालने के बाद हम लोग अभी इसमें गाजर डालेंगे, गाजर को जो कद्दूकस करके रखा था, और दूध में हमें इस गाजर को अच्छी तरह से पकाना है। इस तरह से थोड़ा भी मिक्स करते करते हमें इसे गाजर को दूध में अच्छी तरह से पकाना है और बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से अगर आप हलवा बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। इंस्टेंट तरीके से भी बहुत अच्छा है गाजर का हलवा बनता है, आप ज़रूर बना के देखिए। अभी क्या सीज़न भी चालू है गाजर का और अच्छे अच्छे गाजर मार्केट में आ रहे हैं, तो इस समय यह गाजर का हलवा बनाना तो बनता ही है, एकदम हलवाई स्टाइल ये गाजर का हलवा बनता है। तो अभी गाजर को हमें अच्छी तरह से इसमें दूध में पकाना है। अभी गैस का ना फ्लेम मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया था क्योंकि गाजर डालने के बाद दूध का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर वापस से उबाल आने देंगे और अच्छी तरह से पकाएँगे। तो अभी गाजर डालने के बाद जो दूध का टेम्परेचर कम हो गया तो वो अभी वापस से वैसे ही आ गया हाई फ्लेम पे पकाने की वजह से। अभी इसे कम गैस करके थोड़ी देर पकाएंगे। अभी दूध भी हमारा कम होता जा रहा है, अच्छी तरह से गाजर भी पक रहा है, तो इसे में क्या करेंगे स्पैचुला से ऐसे थोड़ा थोड़ा स्मैश करते हुए हमें गाजर हलवे को पकाना है। इसे थोड़ा ऐसे दरदरा जैसे टेक्सचर आएगा, इसके लिए हमें ऐसे थोड़ा थोड़ा स्मैश करते जाना है। अगर स्पैचुला से नहीं करना है तो आपको पाव भाजी स्मैशर से भी स्मैश कर सकते हैं, पर थोड़ा सा हल्का हल्का ऐसे स्मैश करना ज़रूरी है। तो अभी गाजर भी अच्छी तरह से हमारी पक चुकी है, देखिए पूरा दूध भी है जो एब्जॉर्ब कर लिया है अच्छी तरह से गाजर ने। तो इस समय हमें इसमें डालना है सूजी शक्कर को, क्योंकि शक्कर को पहले डालेंगे ना तो हलवा जो है ना हमारा थोड़ा ऐसे चुई जैसा हो जाएगा। इसके लिए पहले नहीं, थोड़ा सा अच्छी तरह से जब पक जाएगा उसी समय डालेंगे। अभी चीनी डालने की वजह से क्या होगा, हलवा हमारा वापस से थोड़ा सा पतला हो जाएगा क्योंकि चीनी को भी पानी छूटेगा ना इसकी वजह से। तो उसे अभी वापस से 2 मिनट के लिए हम लोग पका लेंगे एकदम मीडियम फ्लेम पर, ताकि वापस से वो गाढ़ा हो जाए हलवा। देखिए अच्छी तरह से हम लोग इसमें पका रहे हैं ये स्वीट। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या कोई भी त्यौहार है तो भी बना सकते हैं। अभी मार्गशीर्ष महीना चालू है तो उस समय भी आप ये गाजर का हलवा बना सकते हैं। ये अच्छी तरह से कलर भी आ गया है हमारे गाजर को। अभी इसमें लगाएंगे तड़का, तो ये तड़का पैन मैंने रखा है, इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, ये देसी घी है। अच्छी तरह से घी को
पिघलने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, तो थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट हो जाएंगे और ये तड़का भी है ना एकदम अच्छे से गर्म होने से हमारे जो गाजर हलवे का टेस्ट है ना वो भी ज़बरदस्त आएगा। तो ये गाजर हलवे को घी का तड़का ज़रूर लगा के देखिए, तो गाजर हलवा एकदम ज़बरदस्त बनेगा। जो छोटे छोटे टिप्स मैं बता रही हूँ उससे फॉलो करके अगर आप गाजर का हलवा बनाएंगे ना तो आपका भी एकदम गाजर का हलवा ज़बरदस्त टेस्टी बनेगा, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं ना वैसे ही। तो अभी ये गाजर हमारे अच्छी तरह से पक चुकी है, तभी हम लोग डालेंगे ये घी का तड़का, एकदम गरम गरम इसे घी का तड़का डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े रोस्ट हो गए तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा हलवे में। अभी ड्राई फ्रूट्स आपको जो अच्छे लगते हैं वो डाल सकते हैं। तो अभी इसमें हम लोग डालेंगे 100 ग्राम मावा, तो यहाँ पे मैंने बस 100 ग्राम ही मावा डाला है, अगर आपको ज़्यादा मावा डालना है तो डाल सकते हैं, पर 1 किलो गाजर के लिए मैंने बस 100 ग्राम ही मावा डाला है क्योंकि हम लोगों ने इसमें दूध का भी इस्तेमाल किया है। अगर आपको मावा नहीं डालना है तो आप 1/2 लीटर की जगह 1 लीटर दूध ले सकते हैं, पर थोड़ा उबालने में ज़्यादा टाइम जाएगा अच्छी तरह से रिड्यूस होने में। तो देखिए अभी गाजर का हलवा हमारा अच्छी तरह से पक चुका है और जो मावा डाला था ना वो भी अच्छी तरह से रोस्ट हो गया, गाजर के हलवे में अच्छी तरह से पक चुका है। एक थोड़ी 2 मिनट के लिए हम लोग इसे अच्छी तरह से वापस से पकाएंगे और डालेंगे इसमें अंत में इलायची पाउडर। तो 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाला है, थोड़ा उसे मैंने ना चीनी डाल के पीसा था। गाजर का हलवा एकदम हमारा रेडी हो गया है, देखिए पूरा दूध भी कम हो गया, अच्छी तरह से पक भी चुका है, एकदम टेस्टी है। ऐसे ये हमारा गाजर का हलवा बना है, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। इंस्टेंट तरीके से क्या होता है, कभी कभी गाजर का हलवा बनाते पर वो टेस्ट नहीं आती है जो एकदम पारंपरिक ऑथेंटिक गाजर हलवे का होता है। तो इसके लिए ये रेसिपीज आप ज़रूर देखिए और बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा एकदम हलवाई स्टाइल। ये गाजर का हलवा बनाए तो ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि ये गाजर का हलवा आपको कैसा लगा। तो अभी इसे एक मैं प्लेट्स में निकाल लेती हूँ गाजर हलवे को। तो गाजर हलवा मैंने प्लेट्स में निकाल लिया है, ऊपर से थोड़ा सा बस बादाम और पिस्ता के काप लगाए गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स, ये ऑप्शनल है पर दिखने में बहुत अच्छा। अगर घर में कोई फंक्शन हो, पार्टी, मेहमान आने वाले हो तो उस समय आप अगर इसे सर्व करके ऐसे पेश करेंगे ना तो मेहमान भी खुश हो जाएंगे खा के और उसका स्वाद जो है ना आप कभी नहीं भूल पाएंगे, इतना ये टेस्टी बनता है गाजर का हलवा। तो ज़रूर बनाइए और फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए ये गाजर का हलवा एकदम ऑथेंटिक स्टाइल से। और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि ये गाजर का हलवा आपको कैसे लगा, एकदम ऐसे रसीला ऐसे गाजर का हलवा देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा, इतना ये टेस्टी बना है। तो ज़रूर बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपने फुल फैमिली के साथ ऑथेंटिक गाजर हलवा।